220 केवी से सायला जिला जालौर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो बहुत ही गंभीर विषय। जब जीएसएस पर आईएन की मौजूदगी, तीन तीन आईएनओ की मौजूदगी, आईएनओ का काम है सुपरविजन करना, फिर भी इतना बड़ा हादसा होना बहुत ही एक दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात, दुख की घटना ये है कि पूरी जांच को वहाँ के ऐसी मुद्दे रात्रिकालीन में पहुँचते हैं और पहुँच के उस पूरे घटनाक्रम को दूसरा अंजाम दिलाते हैं, जबकि घटना शटडाउन के समय में हुई है। उसको अधीक्षण अभियंता वहाँ के मालिक, सर्किल के मालिक वहाँ पहुँच के और उस जीएसएस के अधिकारियों से साथ मिलकर और पूरी घटना को दूसरा रूप देते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है, एक दिवंगत कर्मचारी के साथ, दिवंगत कर्मचारी की आत्मा के साथ एक घोर अन्याय है। ये एक बहुत बड़ा मजाक सा है। श्रीमान, मैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मोदे आरवीपीएन एवं ऊर्जा मंत्री से यही आशा और विश्वास करता हूँ कि उस कर्मचारी को, परिवार को न्याय मिले और जितना भी उसका क्षतिपूर्ति है जो भी है उसको समय पर मिले और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि प्रशासन से एक मैसेज जाएगा कि प्रसारण निगम के अधिकारी एक ऐसे सिस्टम को चलाते हैं जहाँ ऐसी घटनाओं को गंभीरता से भी लिया जाता है। श्रीमान, मैं आपसे आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखता हूँ। राव अभय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इटक। हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल यूएसएफडीए व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित, राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज।